रियल टॉपर छाटा जा रहा है कि नहीं, ज्योग्राफी का स्पेलिंग बता दीजिएगा। GEO ग्राफ GEOGYRA अच्छा PHY। कोई बात नहीं, ज्योग्राफी में आपको कितना नंबर का अनुमान है? नहीं, आइए इसी क्रम में एक बड़ी सी प्यारी सी बच्ची मिली है, बहुत ही अच्छा लगता है। सबसे पहले बाबू आपका नाम क्या होगा? सलमा परवीन। कहाँ से हैं बाबू? ये रामपुर केशव शिवर। चलिए, कैसा लगा टॉपर वेरिफिकेशन में आकर के? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, रामपुर ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? डिस्ट्रिक्ट शिवर। आपका स्ट्रीम क्या है? साइंस आर्ट्स कॉमर्स। आर्ट्स। आर्ट्स स्ट्रीम से है तो आज साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों का चल रहा है इंटरव्यू। जी। आपसे अंदर कैसा बिहेवियर किया गया, कैसा व्यवहार किया गया? अच्छा। अच्छा व्यवहार किया गया। आपको कितना भाड़ा के लिए पैसा मिला? ये 1300। क्या किसी से बताइए कि कथी से आए हैं? बस। बहुत से बताया, इसलिए ना स्कॉर्पियो ना कहना चाहिए था, 2500-3000 बेटा ही। चलिए कोई बात नहीं, बाद का बात है, अगले बार के लिए काम करें। मिठाई का डब्बा मिला? जी। कोई को डिब्बा मिला? दो। 200 मिला। हमरा से बात करके कैसा लगा था? अच्छा लग रहा है। हमर बतावा समझ में आवत है? जी। ना वो तो अलग चीज है, टीचर वाला बात नहीं है। मेरा चैनल पहले जीएम खलपुरा कभी देखी थी कि नहीं? नहीं देखिए। YouTube चैनल पर सबसे बेस्ट अभी पढ़ाता है, अभी पढ़ाई वगैरह बात पूछ लीजिएगा सर। सबसे पहले एक दो और बात पूछेंगे, आर्ट्स वाले में आप तो बहुत अच्छा टॉप कर रही है, आप ये बताइए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छा अच्छा कलर की थी, मतलब सब सही बना दी थी जी। आपको क्या लग रहा है कि बिहार टॉपर आ सकती है? अभी तो कहा नहीं जा। चलिए, इस सफलता के पीछे आप किसको श्रेय देना चाहेंगे? अपनी मम्मी पापा और मेरे मामू और मेरे ये बड़े भाई। गुरुजी? और गुरुजी मेरे बड़े भाई। ऑनलाइन कोचिंग वाले किसी को क्रेडिट देना चाहिए कि नहीं? नहीं। ऑनलाइन बहुत लोग टीचर लोग यहाँ पर आए हैं, मान लीजिए कह रहे हैं कि उनका 40 टॉपर 50 टॉपर, इस पर आप क्या कहना चाहिएगा? वैसे तो हम ऑनलाइन नहीं पढ़े हैं, हम सिर्फ आप क्या कहना चाहिएगा सर? बहुत टीचर लोग आके कह रहे हैं कि मेरा ही 50 टॉपर है, मेरा ही 100 टॉपर है, तो ऑफलाइन वाले आप लोग कहने को तो बहुत चीज कह सकते हैं ना, तो ऑफलाइन वाले जो भी है, ऑफलाइन वाला भी अच्छा पढ़ाते हैं। ऑफलाइन वाले जैसे है बहुत सारे भी अंदर भी देखे हैं, ऑफलाइन के बहुत टीचर थे है ना, लेकिन ऑनलाइन वाले कह रहे हैं कि मेरे पास 40 है 50 है ना। आप शुरू में आए थे तो सबका एडमिट कार्ड का फोटो भी वो लोग खींचे, लेकिन हम अपना नहीं दिए। आप बाबू ये बता दीजिए क्या करना चाहते हैं इनके सब फ्यूचर? बीपीएससी। बीपीएससी का पूरा नाम मालूम है? जी। क्या? बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। चलिए बहुत अच्छा लगा। भारत की प्रथम महिला आईपीएस मालूम है? भारत की प्रथम महिला आईपीएस, भारत की प्रथम महिला आईएएस। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, आप हिस्ट्री ली थी ना सब्जेक्ट, आपका कौन कौन सा सब सब्जेक्ट था आर्ट्स में? साइकोलॉजी, होम साइंस, ज्योग्राफी, हिंदी, उर्दू, एक्स्ट्रा हिस्ट्री। ज्योग्राफी ली थी? जी। चलिए बहुत अच्छा लगा, तो हमको ज्योग्राफी ली थी तो ये बता सकती है सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है? सार्क का मुख्यालय कहाँ है? जनेवा। जनेवा में है, काठमांडू में है सर। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, एक दो और क्वेश्चन आप ले लेते हैं ताकि बिहार के सभी बच्चों को मालूम चले कि रियल टॉपर छाटा जा रहा है कि नहीं। ज्योग्राफी का स्पेलिंग बता दीजिएगा। GEO ग्राफ GEOGYRA अच्छा PHY। कोई बात नहीं, ज्योग्राफी में आपको कितना नंबर का अनुमान है? वैसे नहीं बोल सकते हैं अभी कितना नंबर। तो आपको लग रहा है कि मतलब आप बिहार टॉप कर जाइएगा? आप हो सकता है बच्चा मेरे आवाज से सुनकर कंफ्यूज हो जा रहा होगा, तो इसके लिए कोई बात नहीं है, वो बात नहीं है। मैक के सामने आते ही कोई बच्चा डर जाता है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और तो चलिए साइकोलॉजी भी लिए कि नहीं? जी। साइकोलॉजी को हिंदी में क्या बोलते हैं? मनोविज्ञान। मनोविज्ञान, मनोविज्ञान के बारे में तो हम उतना कुछ जानते नहीं है, और एक हिंदी सब्जेक्ट बताइए कि नहीं? जी। तो हिंदी में आपको कोई मतलब अंदर गद वगैरह से क्वेश्चन किया गया? जी किया गया। आप अच्छा से बताइए ना। जी। हमसे बात करके कैसा लगा? अच्छा लगा। चलिए अगर बच्ची से कुछ गलत हो गया तो कोई बात नहीं, नर्वस होकर कि गलत हो सकता है वो अलग चीज है। और ये टॉपर वेरिफिकेशन के लिए बिहार टॉपर आ रही है, एक बार एक फोटो ले ले, फोटो ले ले।